नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार जी। आज 29 सितंबर है, वर्ल्ड आर्ट डे। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी हाँ, आपने सही बताया, आज वर्ल्ड हार्ट डे है। 29 सितंबर 2024, 29 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष्य में। और डॉक्टर का काम है जनता को ऐसा संदेश दें ताकि वो अपने दिल को स्वस्थ रख सकें। दिल की बीमारियों के बारे में, हार्ट डिजीज के बारे में मैं आप बता दूं, आजकल लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है, लीडिंग कॉज ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी है। आप देखेंगे दिल की एक बार दिक्कत हो जाए, काफ़ी परेशानी होती है, सोशली, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, ठीक है, मेंटली, फिजिकली, मल्टीपल इश्यूज पे उसकी प्रॉब्लम होती है। तो आज हम एक ऐसा आपको चीज़ बताएंगे जिससे आप अपने हार्ट को स्वस्थ रख सकते हैं। यस, बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हैं। इसके लिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत है हार्ट पे। यस, वर्ल्ड हार्ट डे जो 29 सितंबर को मनाया जाता है, इसके लिए हमने एक थीम तैयार की है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हार्ट, हार्ट की जो स्पेलिंग होती है HEART, H फॉर हैप्पी। ऑलवेज कीप योर हार्ट हेल्दी, अपने दिल को हमेशा स्वस्थ रखने के लिए हैप्पी रहें। हैप्पी आप मल्टीपल तरह से रह सकते हैं, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, अपने वर्क प्लेस पे, मल्टीपल जगह पे, जहाँ पे आपको स्ट्रेस कम से कम लेना है और अपने आप को खुश रखना है, जिससे आपका दिल भी जो है हॉर्मोनल बैलेंस बनता है और दिल भी आपका स्वस्थ रहता है। सेकेंड, ई फॉर ईट हेल्दी। ईट हेल्दी का मतलब है जो भी हमारा खाना पीना है वो जंक फूड नहीं होना है, फास्ट फूड नहीं होना है, तला चिकना, मिर्च मसाले, ये चीज़ें हमें कम से कम लेनी है। हाई फाइबर रिच डाइट लेनी है, ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में हमें पानी पीना है और हमारी जो हेल्दी हैबिट्स हैं, और हेल्दी हैबिट्स का एक और मतलब है कि आपका जो खाना है वो समय से होना चाहिए। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर जो समय बनाया है उसी हिसाब से होना चाहिए। ये नहीं कि डिनर आपका 11-12 बजे हो रहा है, उसका कोई औचित्य नहीं है। हॉर्मोनल इम्बैलेंस बनता है, उससे ओबेसिटी, मल्टीपल हार्ट की कंप्लेंट्स आती हैं, कॉन्स्टिपेशन होता है। अब नई स्टडी आई है, कब्ज के कारण भी हार्ट की डिजीज होती है। अगर आप गूगल करके देखेंगे, कॉन्स्टिपेशन कॉजेस हार्ट डिजीज, यस डेफिनेटली कोरोनरी आर्टरी डिजीज, आप देखेंगे वहां पे आपको मिलता है। ए फॉर एंग्जाइटी, यस एंग्जाइटी को आपको कम से कम रखना है। कोई भी चीजें हैं, बात करने से, वर्क प्लेस में टाइम स्पेंड करने से वो चीजें कम होती हैं। किसी भी वर्ड्स का बर्डन नहीं रखना दिमाग के ऊपर, उन चीजों को हमें अपने दिमाग को कम से कम खाली रखना है। खाली रखने का मतलब है उसके अंदर अननेसेसरी बर्डन नहीं रखना है। आर फॉर रेस्ट, यस आपकी नींद बहुत ही ज्यादा जरूरी है, 6 to 8 hours की साउंड स्लीप होना बहुत जरूरी है हार्ट को हेल्दी रखने के लिए। जिन लोगों की नाइट शिफ्ट ज्यादा होती हैं या फिर स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होता है, उनमें हार्ट की बीमारियां होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। एंड लास्ट टी, ट्रेन हार्ट। यस, ट्रेन हार्ट का मतलब है आपको योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, स्विमिंग, जॉगिंग, रनिंग, कुछ भी करके अपने हार्ट को एटलीस्ट हफ्ते में, यानी वीक में 5 दिन तक अपने आप को हेल्दी रखना है और 5 दिन तक आपको इन चीजों का ध्यान देना है, जिससे आप क्या है अपने हार्ट को याद रख सकते, अपने हार्ट को अच्छा रख सकते हैं। तो वर्ल्ड हार्ट डे पे मेरा लोगों के लिए ये संदेश है, ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड हैप्पी बाय यूजिंग हार्ट। यस, यूज योर हार्ट फॉर कीपिंग योर हार्ट एक्टिव एंड पंपिंग। यस, यूज हार्ट, यस इसको याद रखिए और स्वस्थ रहिए। फिर भी किसी कारणवश, कई बार क्या होता है, गाड़ी में है, गाड़ी हमारी चल रही है रोड पे, गाड़ी में सारी चीज़ें ठीक हैं, टायर का प्रेशर ठीक है, सारी चीज़ें, सीट बेल्ट लगा रखा है, एयर बैग्स हैं, फिर भी एक्सीडेंट हो जाता है। यस, नाजिब सी बात है। ये सभी फॉलो करने के बाद भी हो सकता है कई बार हार्ट की दिक्कत हो सकती है, चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। तो उस चीज़ के लिए आपको इमरजेंसी के लिए ये 3 दवाइयाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ अपने पास रखनी है। यस, ये 3 दवाइयाँ आपको अपने पास रखनी है। पहली है डिस्प्रिन, यस डिस्प्रिन। सेकंड, सॉर्बिट्रेट। ये देखिए दिल की शेप में ये सॉर्बिट्रेट आप देख सकते हैं, दिल जैसी है, ये दिल के लिए काम करती है। और ये है हमारी अटोरवास्टैटिन, यस अटोरवास्टैटिन। ये तीनों गोली आपको पास रखनी है। ये हार्डली 3 रुपए की भी नहीं है, 5 रुपए की भी नहीं है, ये गोलियाँ अपने पास, अपने जेब में आपको रखनी है, अपने वर्क प्लेस में, ऑफिस में, जहाँ आप बैठते हैं अपने साथ में रखनी है, ताकि जब भी इमरजेंसी हो तो एक एक टैबलेट, छाती में दर्द हो, पसीना हो, घबराहट हो, तो तीनों टैबलेट में से एक एक निकाल के आप तुरंत इनको जीप पे रखिए और इमीडिएटली आपको रिलीफ मिलता है और तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। तो वर्ल्ड हार्ट डे पे मेरा लोगों से यही संदेश है, एक मैसेज है, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी, हार्ट को हमेशा स्वस्थ रखिए। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सतेंद्र तंवर फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स, आपके दिल को स्वस्थ रहने की यही कामना करता हूँ। थैंक यू।